अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों के लिए। वो सिर्फ बच्चों के लिए हमने मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, और हाँ उनके फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट प्लीज़ कीजिए। आइए शुरू करते हैं, ये पूरा हमारा क्या होता है आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारा होता है फेस, और ये क्या होते हैं हेयर्स, और ये क्या होता है हैंड। और अभी आप स्टार्ट, अब ये इसका ये होता है नोज। आप कोई आइसक्रीम जैसे, ये आपकी इस मदद करता है कि यहाँ पे ये अच्छी जगह नहीं, यहाँ पे बदबू है, आपको वो टेस्ट करवाते हैं कि अगर दूध गंदा हो गया आपको ये पता, इससे पता चलेगा कि बदबू आ गई है तो दूध गंदा हो गया फिलहाल की तौर पर। और आप ये आइस, आइस इसलिए होती हैं कि आपको पता चले आप कहाँ जा रहे हैं, आपको मतलब आपको फील होना चाहिए कि अगर आपकी आइज नहीं होगी, अगर आप कहीं जा रहे होंगे आप गिर जाएंगे, फिर आप किसी, अगर आइज ही नहीं होती, अल्लाह ताला ने हमें आइज दी, इसलिए आइज दी है कि हम देख पाए। अब सेकंड स्टेप हेयर्स, ये हेयर्स क्यों होते हैं आप बताइए। हाँ ईयर्स इसलिए होते हैं सुनने के लिए, जैसे आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, या अगर आप घर में अकेले हैं वहाँ से अगर आवाज़ आई आपको पता चल जाएगा ईयर्स से कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। सेकंड स्टेप टीथ, टीथ क्यों यूज़ किए जाते हैं आप बताइए। हाँ टीथ इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आप चीज़ों को खा सकें, उन्हें चबा सकें, और जैसे कोई भी चीज़ खा सकें। अब टंग, आप टंग क्यों यूज़ की जाती है बोलने के लिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर टंग नहीं होती तो मैं आपको ये सब नहीं बता पाता, इसलिए। और आगे चलते हैं, ये क्या है, पूरी बॉडी है। आप ये बताएं बॉडी कैसे खड़ी हुई है आप बताएं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बॉडी इसलिए खड़ी हुई है, इसके हमारे अंदर हड्डियां हैं, हमारे अंदर स्केलेटन है, जिसको हम हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रेट करके खड़ा हुआ है। अगर हमारे ये नहीं होते हम ऐसे 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 हो जाते हैं। अगर ये स्केलेटन इसलिए दिया जाता है, अगर आप यहाँ पे हाथ लगा के महसूस करेंगे यहाँ पे आपकी हड्डियाँ होंगी, हड्डियाँ जरूर होंगी, कुछ कुछ होती हैं या कुछ नहीं होती। सेकेंड आर्म्स, आर्म्स क्यों होते हैं वो हैंड्स, हैंड्स क्यों होते हैं, हैंड्स इसलिए होते हैं कि आप कोई काम कर सको, आप कोई जैसे जैसे मैं ये मैंने ये सीजर उठाई मैं उठा पा रहा हूँ, अगर मैं हैंड्स नहीं होते तो ये मैं सीजर नहीं उठा पाता, फिर हम ऐसे करके सीजर उठा दे अगर हमारे हैंड्स नहीं होते, और हम ये वीडियो भी नहीं बना पाते, इसलिए कि हैंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। और फीट, फीट क्यों होते हैं आप बताइए। फूट इसलिए होते हैं कि हम चल पाए, अगर ढीला ना करें, अगर आपके कोई हाथ टूट जाते हैं या आपको कोई चोट लग जाती है आप कोई काम कर पाएंगे पाँव के बिना, ये मेन पार्ट्स हैं। अगर आपकी आंखें नहीं होंगी तो आप देख नहीं पाएंगे, अगर आप नाक नहीं होगा आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, वैसे मुंह से सांस लेना मुश्किल होता है, और कान नहीं होंगे तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। अगर हाँ कान के एक और स्टेप, अगर आप चल रहे हैं तो पीछे से गाड़ी आ रही पीप पीप कर रही आपको सुनाई नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। और हाँ
और कौन सा रह गया अब? बस इतने ही काफी है आज के लिए। अगली वीडियो में आपको दूसरे बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो आपको मिलती है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।